आज की इस वीडियो में मैं आपको सी बी एस ई टर्म वन क्लास टेन साइंस का एक जो एग्ज़ाम हुआ है दो दिसंबर को उसका आंसर कि मैं अभी अभी एग्जाम हुआ उसका आंसर की लेके आया हूँ ठीक है तो आंसर की शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ठीक है एक लाइक तो बनता है तो चलिए मैं आंसर देने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ देखिए सेट नंबर चार सबका है जी एस के वन है बहुत बच्चे बहुत बच्चे का जीएसके एस के टू है ठीक है जी एस के वन और टू जिसका वन है वही देखिए जी एस के टू का मैं इसके बाद वीडियो में डाल दूंगा ठीक है इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है तो चलिए जी एस के वन वाले चलिए देखते हैं आप चलिए तो सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन स्टूडेंट वाइल वर्निंग ए मैग्नीशियम रिवन इन एयर कलेक्टेड द प्रोडक्ट इन अ वेट वॉच ग्लास द न्यू प्रोडक्ट ऑपटेड वाज तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आपको सी हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्वेश्चन नंबर टू कंसिडर्ड द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन टू एन ओ ओ एच प्लस एच टू एस ओ फोर को एन ए टू एस ओ फोर प्लस टू टू एस किया ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर आपको हो जाएगा ए एन ए ओ एच रिएट विथ एस टू एसओ फोर टू प्रोड्यूस एन ए टू एसओ फोर एंड वाटर ठीक है क्वेश्चन नंबर टू का आंसर ए हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग टेबल इन कनेक्शन विद द गिवन केमिकल रिएक्शन दिया हुआ आपका उसमें मैच करना था ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर डी क्वेश्चन नंबर फोर कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस द क्वेश्चन नंबर फोर के आंसर प्रोसेस किया हुआ है उसको कंसीडर करना था क्वेश्चन नंबर फोर के आंसर आपको डी हो जाएगा ठीक है टू एंड फोर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा एक लाइक तो बनता है यार इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं सोल्यूशन गिव्स येलोविश ऑरेंज कलर वेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू इट दिस सोल्यूशन इज ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आपको ए हो जाएगा लेमन जूस ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं कंसनट्रेटेड एस टू एस ओ फोर इज डाइल्यूटेड बाई एडिंग ड्रॉप बाई ड्रॉप द क्वेश्चन नंबर सिक्स के आंसर आपको हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बी हो जाएगा एसिड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्ट स्टरिंग ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं एब्सेंस ऑफ टेट्रिक एसिड इन बेकिंग पाउडर मेक द टेस्ट ऑफ द केक बीटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर बी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट ठीक है क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं द पी एच ऑफ एसिड रेन इज अप्रोक्समेटली तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर आपको हो जाएगा ए 5.6 होता है रेन का पीएच पीएच ठीक है इसी ड्रेन का तो चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं साल्ट अ कॉमनली यूज इन फूड प्रोडक्ट इज ए रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस साल्ट बी यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोराज साल्ट बी ऑन हीटिंग कन्वर्ट इन टू द अनदर साल्ट सी विच इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास ग्लास साल्ट एंड बी ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर आपको डी हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर डी हो जाएगा एन ए सी एल एन एच सी ओ थ्री एन ए टू सी ओ थ्री ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते सॉरी क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन इन दी फॉलोइंग डायग्राम दिया हुआ है वाट वुड हैपन इफ सम अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड तो क्वेश्चन नंबर टेन के आंसर मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर सी हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन के आंसर आपको सी हो जाएगा द अमाउंट ऑफ एस टू गैस रिवॉल्व इज मच लेस ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन के आंसर सी चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द स्पेसिफिक ऑफ एंजाइम एंजाइम एंड जूस सीक्रेटेड इन लोकेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दिया हुआ है इसको आपको बताना था ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर आपको बी हो जाएगा ठीक है बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर बी चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं द सीक्वेंस ऑफ एन एरोबिक रिस्परेशन इन आवर मसल सेल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आंसर आपको ए हो जाएगा ट्वेल्व का ए क्वेश्चन नंबर थर्टीन द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट इज यूज यूजफुल टू तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर ये हो जाएगा कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर ये हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं इन स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टीम टिश्यू ऑफ प्लांट्स इन ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर आपको ए हो जाएगा द एनर्जी नीड ऑफ द बर्ड्स टू ग्रो ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर स्पीरेशन इज यूज टू सिंथेसाइज तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर आपको सी हो जाएगा ए टी पी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्रीज इज ड्यू टू तो क्वेश्चन नंबर आपका सिक्सटीन का आंसर डी हो जाएगा ट्रांसपीरेशन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इफ अ लेंस एंड स्पेरिकल मिरर बोथ हैव अ फोकल लेंथ ऑफ फिफ्टीन सेंटीमीटर देन इट मे बी कंक्लूडेड दैट तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन का आंसर ए हो जाएगा बोथ आर कंकेव ठीक है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो यार इस आपके लिए इतना इतना मेहनत करता हो तो एक लाइक बनता है यार एक लाइक वीडियो को जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्लास टेंथ ट्वेल्व सी बी एस ई अपडेट्स हर एक चीज इस चैनल पर आपको सबसे पहले और सबसे सही सही मिलेगा ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट इफ द साइज ऑफ द इमेज इज वन हाफ एंड डेट ऑफ डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट द ऑप्टिकल डिवाइस इज तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर आपको हो जाएगा बी कन्वेक्स मिरर होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 अ स्टूडेंट डिटरमाइंस द फोकल लेंथ ऑफ डिवाइस ए बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिवाइस ए इज तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको सी हो जाएगा कन्वेक्स लेंस ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20

तो चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय अ लेंस इज ऑप्टेन ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस अकॉर्डिंग टू न्यूज कार्टीसियन साइन कन्वेक्शन इफ द इमेज इज थ्री टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द फ्लेम देन द लेंस इज तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के आंसर आपका सी हो जाएगा कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन इज माइनस थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का आंसर आपको सी हो जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट प्लस इज कॉन्टेक्स कॉन्टेक्ट इज प्लस वन पॉइंट जीरो डी इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज द कॉम्बिनेशन इज प्लस ट्वेंटी पॉइंट जीरो सेंटीमीटर द फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंसेज वुड वी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आंसर आपका सी हो जाएगा ठीक है माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट जीरो सेंटीमीटर तो चलिए आगे चलते हैं प्लीज वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए एक लाइक तो बनता है यार ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की तरफ चलते हैं वेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट सफर टू रिफ्रेक्शन ड्यूरिंग दिस रिफ्रेक्शन द रे बेंड्स तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री के आंसर आपको हो जाएगा बी द बेस इन बोथ केसेस ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर देखते हैं टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई ऑन द मून एपियर्स डार्क बिकॉज तो ट्वेंटी फोर का आंसर आपको बी हो जाएगा देयर इज नो एटमोसफियर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ठीक है ट्वेंटी फोर का बी चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखते हैं सेक्शन बी में आ गए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखते हैं वेन लीड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉयलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का आंसर ए हो जाएगा ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाईऑक्साइड ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखते हैं एन सॉल्यूशन ऑफ साल्टो सो एन ऑरेंज रेड कलर वेन ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज इज टू इट द दिस मेड मेड ऑफ ऑफ अप क्या होगा चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का आंसर सी हो जाएगा आपका अ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन थ्री टेस्टिव ए बी एंड सी कॉन्टेंट डिस्टिल्ड वाटर एंड एसिडिक सॉल्यूशन एंड अवेसिक सॉल्यूशन एस्पेक्टिवली वेन वेन रेड लिटमस सॉल्यूशन इज यूज फॉर टेस्टिंग दिस सॉल्यूशन द ऑब्जर्व कलर चेंजेस एस्पेक्टिवली विल बी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन के आंसर अफर डी हो जाएगा ठीक है अब कम लाइट रेड बी बिकम डार्क रेड एंड सी सी बिकम ब्लू ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट गिवेन बिलो इज ए रिएक्शन शोइंग द क्लोरो अल्कली प्रोसेस तो ट्वेंटी एट का आपको हो प्रोसेस दिया हुआ है आपको ट्वेंटी एट का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर बी हो जाएगा ठीक है नियर द कैटोड कैटोड एंड द एनोड एंड एट द कैटोड ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का बी चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द एक्टिविटी दिया हुआ है डायग्राम पर दिया हुआ है आपका इफ द क्लाइमेट इज ह्यूमिड द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोरेड टेकन इन द गार्ट टू इज इज टू तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन के आंसर आपको हो जाएगा सी ड्राई द ग्रास ड्राई द गैस ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल इज यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर सी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखते हैं एसरसन रीजन है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का आंसर आपका सी हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का आंसर सी हो जाएगा आप लोग मार्क कर लीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का आंसर सी हो जाएगा प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ ठीक है कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज वीडियो को एक लाइक बना जरूर कर दीजिएगा ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी टू की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू वी एसरसन रीजन है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का आपका आंसर हो जाएगा सी ठीक है अब क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का आंसर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का आंसर बी हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव मैच करना था कॉलम ए एंड ऑक्सीजन कॉलम टू ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का आंसर आपको हो जाएगा ए ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का ए हो जाएगा ए फोर बी थ्री सी टू एंड डी वन ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का ए हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स फोर टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है ए बी सी एंड डी आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए आयरन आयरन नेल इज डिप्ड इन कलर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन बी कॉपर वायर इज डीप इन द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन सी जिंक मेटल इज डीप इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड इन डी आयरन नेल इज डीप इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन द रिएक्टिविटी ऑर्डर हैज़ बीन फाउंड टू बी अंक जिंक कॉपर दिया हुआ है इन बीच टेस्टिव वाज कलर चेंज ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स के आंसर ए हो जाएगा ए एंड सी क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द फंक्शन नॉट परफॉर्म बाय विली इज क्या होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का डी हो जाएगा ठीक है इंजेक्शन ऑफ फूड ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का डी चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट दिया हुआ डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का आंसर आपको डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन का आंसर आपको बी हो जाएगा अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है मैं सिर्फ आंसर बताते जाता हूं आप लोग मार्क करते चलिए ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन के आंसर आपको बता दिया मैं बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी के आंसर आपको सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन के आंसर आपको सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू का आंसर आपको बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री के आंसर आपको डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर के आंसर आपको सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव का आंसर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का आंसर सी हो जाएगा फोर्टी सेवन का आपका बी हो जाएगा फोर्टी एट का आपका डी हो जाएगा चलिए सेक्शन सी पे आते हैं आपका चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन का आंसर आपका डी हो जाएगा फिफ्टी का आंसर आपको सी हो जाएगा फिफ्टी वन का आंसर बी हो जाएगा फिफ्टी टू का आंसर आपको हो जाएगा ए चलिए केस टू है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री पर देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री का आंसर आपको बी हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर का आपका आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव का आंसर आपको सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स का आंसर ए हो जाएगा चलिए केस थ्री है उस पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन का आंसर आपका ए हो जाएगा फिफ्टी एट का बी हो जाएगा फिफ्टी नाइन का आंसर आपको डी हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी उसका आंसर सी हो जाएगा ठीक है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोगों के लिए सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का क्लास टेंथ ट्वेल्थ के आंसर की सबसे पहले आएगा सी बी एस ई का हर एक न्यूज इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भारत माता की जय